अगर आप लैपटॉप की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो पहले आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करना होगा। तो इसीलिए मैं पहले लैपटॉप की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें मैं लैपटॉप को किस तरह खोला जाता है और खोलने से लेकर लैपटॉप की अंदर की जो जितनी भी पार्ट्स होती है उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप सभी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक एचपी कंपनी का लैपटॉप है, यहाँ पे देख सकते हैं एचपी लिखा हुआ है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है वो सभी मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को खोलना सीखते हैं। तो दोस्तों फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्टोनिक्स चैनल। तो चलिए एक लैपटॉप को किस तरह खोला जाता है ये हम जानते हैं इस वीडियो में। तो किसी भी लैपटॉप को खोलने के लिए सबसे पहले जो काम करना होता है वो इसका जो बैटरी होती है उसको निकालना होता है। तो लैपटॉप खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लैपटॉप को पीछे की तरफ टर्न कर ले और इसके बाद जो लैपटॉप की बैटरी है उसको आप बाहर निकाल ले। तो लैपटॉप की बैटरी को बाहर निकालने के लिए इसके पीछे एक लॉक होता है जिसको स्लाइड करने के बाद आप इसकी बैटरी को इस तरह से निकाल सकते हो। तो बैटरी को निकाल के कहीं पे रख दे, उसके बाद आप देख सकते हैं बैटरी के अंदर बहुत सारी स्क्रू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी के अंदर सभी स्क्रूज है। तो आपको क्या करना है, सभी स्क्रू को खोल लेना है और इसके कॉर्नर्स पे जैसे आप इस तरह की स्क्रू, बहुत सारे स्क्रू आप देख सकते हैं जो लैपटॉप की चारों साइड में बहुत सारे स्क्रू होल बना के यहाँ पे स्क्रू डाला गया होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी स्क्रू है सभी को निकाल लेना है। बहुत सारे स्क्रू होते हैं इसमें, लगभग आपको 50 से ऊपर स्क्रू होती है टोटल मिला के। तो सभी स्क्रू को आपको निकालना है, लेकिन स्क्रू निकालने से पहले आपको क्या करना है, जैसे इसके पीछे के पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कवर्स लगे हुए हैं। जैसे ये बड़ा एक फुल कवर हो गया लैपटॉप का, लेकिन इस फुल कवर के बीचों बीच कुछ छोटी कवर्स भी यहाँ पे लगी हुई है। तो छोटी कवर्स किसके लिए होती है, जैसे बैटरी निकाल लेने के बाद इस ये छोटे कवर जो होती है इसके अंदर लैपटॉप की हार्ड डिस्क, रैम और वाईफाई कार्ड इस तरह की कुछ पार्ट्स से लगी होती है, जिसको अगर आपको इस तरह की कोई पार्ट्स की रिपेयरिंग करना हो तो आपको पूरी लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस ये जो छोटी कवर है उसको निकाल के इसके अंदर की पार्ट्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप की मदरबोर्ड में अगर कोई रिपेयरिंग हो या इसके अंदर की कोई पार्ट्स में, जैसे प्रोसेसर में या फैन में इस तरह की कोई पार्ट आपको रिपेयरिंग करना हो या उसको क्लीन करना हो, तो इसके लिए आपको लैपटॉप की जो पूरी कवर है उसको खोलना जरूरी होता है। लेकिन जो ये छोटे कवर के अंदर जो पार्ट्स होती है उसको रिपेयर करने के लिए आपको पूरी लैपटॉप खोलने का जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं इस छोटी कवर को पहले खोल लेता हूँ। तो इसको खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर इसमें डाल के पहले स्क्रू को खोल लेना है। तो स्क्रू को आप जब भी खोले एंटी क्लॉक स्क्रू को खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन करना होता है। स्क्रू खोलने के बाद आप इस तरह से कवर निकाल सकते हैं और इसको कहीं अच्छी तरह से रख दें और जो भी स्क्रू इसके साथ होती है वो इस कवर के साथ ही रखें, क्योंकि स्क्रू इसमें मिसप्लेस होने का बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो जब भी कवर निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसमें रैम नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रैम नहीं है इसमें, और यहाँ पे रैम लगा होता है। और दोस्तों इस लैपटॉप में किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में कौन सा रैम होगा, जैसे यहाँ पे रैम नहीं है लेकिन अगर आपको रैम डालना हो तो कौन सा रैम इसमें डालेंगे, तो इसकी पहचान करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ मार्किंग इसमें वोल्टेज लिखा होता है। जैसे रैम के स्लॉट पर आप अच्छी तरह देखोगे तो वहां पे कुछ वोल्टेज लिखा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 वोल्ट लिखा हुआ है। तो 1.8 वोल्ट का मतलब हो जाता है DDR2 रैम, तो इस बोर्ड में DDR2 रैम लगने वाला है। तो अगर आपके पास कोई लैपटॉप आता है जिसमें रैम नहीं है और इसके लिए अगर आपको रैम खरीदना पड़ता है तो आप इसका वोल्टेज देख के इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसमें 1.5 वोल्ट लिखा होता तो उसमें DDR3 रैम लगता है, और अगर 2.5 वोल्ट होता तो DDR1 रैम लगता है। मतलब जितने ज्यादा वोल्टेज उतने पुराने रैम और जितने कम वोल्टेज उतनी नए रैम यूज होता है। तो इस तरह से आप रैम कौन सा रैम इसमें लगने वाला है उसका पहचान आप कर सकते हो। उसके बाद अब कौन सी पार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये जो कार्ड देख रहे हो ये वाईफाई कार्ड है। अगर आप वाईफाई से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। और रैम कब रिप्लेस करना है, जैसे लैपटॉप में नो डिस्प्ले का अगर फॉल्ट आता है तो रैम मोस्टली जो रीजन होता है वो रैम का होता है। तो अगर नो डिस्प्ले कहीं पे लैपटॉप में फॉल्ट आ रही है तो आप लैपटॉप की जो रैम है उसको क्लीन कर सकते हो और
अगर आपके पास नई रैम हो तो नई रैम यूज करके देख सकते हो, लेकिन अगर रैम नहीं बदलने पर भी अगर फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्रोसेसर का फॉल्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेसर है, उसके ऊपर ये जो मेटल लगा हुआ है इसको हीट सिंक बोला जाता है। तो जो हीट सिंक का काम होता है वो प्रोसेसर काम करने के दौरान बहुत ही गर्म होती है, तो उसकी जो गर्मी होती है उसकी जो हीट होती है उसको बाहर ट्रांसफर करने का काम ये मेटल करती है, तो इसको हीट सिंक बोला जाता है। तो अगर नो डिस्प्ले का फॉल्ट हो तो पहला आप रैम चेक कर सकते हैं और दूसरे नंबर में प्रोसेसर चेक कर सकते हैं। लैपटॉप को ऑन करने के बाद आपको प्रोसेसर को छूना है इस तरह से, अगर छूने पर अगर ये मेटल में या प्रोसेसर अगर गर्म आपको फील हो रही हो तो प्रोसेसर में फॉल्ट नहीं होता है। अगर प्रोसेसर अगर गर्म नहीं हो रही हो, हीट नहीं हो रही हो, तो प्रोसेसर की सेक्शन में फॉल्ट होने का चांसेस रहता है। तो नो डिस्प्ले का जो मेन रीजन होता है वो होता है रैम और प्रोसेसर। इसके अलावा और भी बहुत रीजन होती है, लेकिन जो बेसिक फॉल्ट है जो आपको बहुत आसानी से जो आप सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं वो है रैम और प्रोसेसर से रिलेटेड फॉल्ट। उसके बाद अगर वाईफाई काम नहीं करे तो आपको क्या करना है, वाईफाई कार्ड को क्लीन करके रखना है, या लेकिन ये क्लीन करने से पहले आपको वाईफाई ड्राइवर चेक करना है, अपने वाईफाई ड्राइवर डाला हुआ है कि नहीं है। अगर वाईफाई ड्राइवर नहीं डाले हैं तो वाईफाई ड्राइवर डालें, और उसके बाद वाईफाई ड्राइवर डालने के बाद भी अगर काम नहीं कर रही है तो आपको बायस सेटिंग चेक करना होता है। बायस सेटिंग में वाईफाई का सेटिंग कभी डिसेबल हो जाने से भी वाईफाई कनेक्ट नहीं होने का चांसेस रहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बायस को डिफॉल्ट मोड में डाल सकते हैं। लेकिन उतना करने के बाद भी अगर काम नहीं कर रही है तो जो ये वाईफाई का जो ये कार्ड है इसको आपको क्लीन करके इसमें डालना होगा, और क्लीन करने के डालने पर भी अगर काम नहीं हो रही तो वाईफाई कार्ड को बदलना होगा। इसको वाईफाई कार्ड बोला जाता है, और इसकी जो जितने भी आईसी होती है हर एक चीज के लिए एक आईसी लगी होती है मदरबोर्ड में, तो इसका जो वाईफाई का आईसी होता है सभी इसके अंदर ही डाला गया होता है। तो अगर वाईफाई कार्ड अगर आप बदल रहे हो तो वाईफाई का जो टोटल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो दो पॉइंट है, इसमें कनेक्टर लगी हुई है जो दो तार कहीं से आके इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसको एंटीना बोला जाता है। जैसे वाईफाई का काम क्या होता है, वायरलेस सिग्नल को कैच करना, जैसे आपका राउटर कहीं और पे होता है और आपका लैपटॉप कहीं और पे होता है, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है कनेक्शन, अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन होता रहता है तो जो सिग्नल जो आपको आपका जो लैपटॉप रिसीव करता है वो वायरलेस होता है, तो किसी भी वायरलेस लैपटॉप एंटीना जरूरी होता है। तो ये जो तार आप देख रहे हैं दो ब्लैक कलर की जो तारे हैं वो एंटीना से आई हुई तार है, तो उसका जो एंटीना होता है वो डिस्प्ले के अंदर रखी गई होती है, वहां से तारे यहाँ पे लाके इसमें जोड़े गए होते हैं, तो इसको आरएफ केबल बोला जाता है। एंटीना से जो तार निकल के इसमें जुड़ती है तो इसको आरएफ केबल बोला जाता है। इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो, और यहाँ पे दो तारे हैं तो इसको और आप इधर का उधर कहीं पे लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों एंटीना है, आप इसको चाहे तो बदल के भी लगा सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क करने वाला, इसमें कोई प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं होता है। तो ये तार निकालने के बाद अगर आपका जो ये वाईफाई कार्ड अगर बदलना हो तो क्या कर सकते हो, आप इसको इसका जो स्क्रू इसमें लगा होता है तो इसको इसका स्क्रू को इस तरह से खोल लेना है। तो दोस्तों अब कभी भी स्क्रू आप खोल रहे हो तो क्या करना है, आपको पहले थोड़ी सी प्रेशर डाल के फिर रोटेट करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट होती है, ऊपर से इसे इस तरह दबाने के बाद अगर इस तरह से प्रेस करके और फिर घुमाओगे तो आसानी से खुल जाएगी, लेकिन सिर्फ स्क्रू डाल के और हल्के हाथों से घुमाओगे तो नहीं खुलेगी। पहले क्या करना है, कुछ प्रेस करके घुमाना है और फिर एक रोटेशन घूमने के बाद आप इसको धीरे से घुमाने से भी काम चलेगा। तो स्क्रू निकालने के बाद अब इसको बाहर की तरह इस तरह से तान लेना है, और ये जो वाईफाई का कार्ड है वो निकल चुका है, तो इसको वाईफाई कार्ड या मिनी कार्ड भी बोला जाता है। इसका जो मेन काम होता है वो वाईफाई सिग्नल को रिसीव करने का होता है, तो वाईफाई सिग्नल से जुड़ी जितने भी काम होती है सब यही करती है। वाईफाई कार्ड निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्क्रू है उसको उसी पे डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में फिट करने में आसानी होगी और स्क्रू को मिसमैच होने का चांसेस भी नहीं होगा। तो जब भी आप काम करें स्क्रू का बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान दें, नहीं तो स्क्रू मिसमैच हो जाने से आपको लैपटॉप फिटिंग करने में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लैपटॉप का जो मैंने कुछ तो दोस्तों आप देख सकते हो लैपटॉप का मैंने क्या क्या लैपटॉप का जो डिसेंबल करने के लिए या खोलने के लिए मैंने क्या क्या अभी तक लैपटॉप को बैक में टर्न कर लिया, इसका जो बैटरी है उसको निकाल लिया, और इसके ऊपर में छोटी सी कवर लगी हुई थी तो मैं कवर निकालने के बाद यहाँ पे रैम था लेकिन रैम इसमें नहीं डाला था, शायद कस्टमर ने तो रैम इसमें अवेलेबल नहीं था, लेकिन वाईफाई कार्ड अवेलेबल था तो मैंने वाईफाई कार्ड को निकाल के वहाँ पे डाल दिया। ये प्रोसेसर है और इसको हीट सिंक बोला जाता है। ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो
ये मोस्टली चार्जर का कनेक्टर इस तरह का होता है, जो बड़ा कनेक्टर जो मोटे वायर वाले होते हैं, क्योंकि चार्जर में सबसे ज़्यादा वोल्टेज आता है चार्जर के थ्रू, 19 वोल्ट 20 वोल्ट या 16 वोल्ट से तो ज़्यादा ही रहता है। इसीलिए जो चार्जर का तार रहता है वो इस तरह का कुछ मोटा तार रहता है, लेकिन और तार आप देखोगे तो बहुत पतला रहेगा लैपटॉप के अंदर। तो इस तरह के मोटे कनेक्टर वाले तार अगर कहीं कहीं पे आप देख रहे हो तो डेफिनेटली वो चार्जर का तार होता है, अगर है कि नहीं है खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा, आप देखिएगा। अब चलिए इसके ये इसके इस सेक्शन के बाद हम दूसरे एक सेक्शन को दूसरा एक कवर भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो इस देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर मोस्टली हार्ड डिस्क होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि रैम पीछे की तरफ वाईफाई कार्ड रैम और हार्ड डिस्क ज़्यादातर रखा जाता है, तो इसके अंदर रैम होना चाहिए, तो इसको सॉरी इसके अंदर हार्ड डिस्क होना चाहिए। तो इसको खोलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्रू डाला हुआ है, तो पहले मैं स्क्रू को खोल लेता हूँ। स्क्रू खोलने के बाद इसको एक कवर को निकाल लूंगा, उसके बाद इसके अंदर की जो पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको खोल देता हूँ पहले। तो स्क्रू खुल चुका है, अब इसको इसको ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ पुल करना है, ऊपर की तरफ इस तरह से तानने से निकल जाएगा। और इसके साथ इसका जो स्क्रू है इसके अंदर ही है, तो इसको मैं कहीं अच्छी तरह से सेफ जगह पे इस तरह से रख देता हूँ, जो मुझे बाद में फिटिंग करने में आसानी हो। तो देख सकते हैं ये जो पार्ट है दोस्तों, इसको हार्ड डिस्क बोला जाता है, और हार्ड डिस्क का ये पूरे हार्ड डिस्क नहीं, ये हार्ड डिस्क का प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का एक कवर भी दिया गया होता है लैपटॉप। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेप सा लगा हुआ है, तो ये टेप बेसिकली हार्ड डिस्क को तानने के लिए दिया होता है, तो इसको पकड़ के आप इस तरह से ऊपर की तरफ तान सकते हो, तानने के बाद ये निकल जाएगा। लेकिन किसी किसी में यहाँ पे स्क्रू डाला होता है, तो पहले अगर स्क्रू हो तो स्क्रू को खोल ले और फिर इस तरह से इसको पुल करे, तो ये निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। और ये हार्ड डिस्क है, और ये हार्ड डिस्क का इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हार्ड डिस्क कितने जीबी का है, तो यहाँ पे लिखा होता है जैसे सीगेट, यहाँ पे सबसे जो ऊपर लिखा हुआ है एक कंपनी का नाम है, तो हार्ड डिस्क सीगेट कंपनी का हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे जीबी भी आप देख सकते हो 160 जीबी, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 160 जीबी हार्ड डिस्क है। उसके बाद सीरियल 80 डिस्क ड्राइव, मतलब साटा हार्ड डिस्क है, और साटा हार्ड डिस्क किस तरह से आप पहचान सकते हो, इसका जो बैक कनेक्टर है उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये साटा हार्ड डिस्क है या पटा है। तो साटा हार्ड डिस्क में इस तरह का कुछ कनेक्टर होता है, जैसे दो कनेक्टर होती है कोई किसी भी हार्ड डिस्क में आप देखोगे तो दो तरह की कनेक्टर होती है, एक होती है डाटा केबल के लिए और एक होती है पावर के लिए। तो जो साटा होती है, साटा का मतलब जो नए हार्ड डिस्क है उसको साटा बोला जाता है, जो पुराने हार्ड डिस्क है उसको पाटा बोला जाता है। तो साटा हार्ड डिस्क में क्या होता है, जो डाटा केबल जोड़ने का जो कनेक्टर होती है वो सिर्फ 7 पिन का होता है, और जो पावर की कनेक्टर होती है वो 15 पिन का होता है, 12 to 15 पिन का होता है। तो अब इसको आप डेस्कटॉप में भी जोड़ सकते हो आसानी से, लेकिन डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क को लैपटॉप में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क बड़ा होता है और उसको लैपटॉप में आप जोड़ने के लिए इतना सा स्पेस नहीं पड़ता है। लेकिन डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क डेस्कटॉप में बहुत सारा स्पेस होता है, और ये हार्ड डिस्क डेस्कटॉप के लिए तो छोटा ही है, लेकिन कनेक्टर सेम होता है, सेम जिस तरह का ये कनेक्टर है वो डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क में भी उसी तरह का कनेक्टर है। तो अगर आपके पास लैपटॉप का हार्ड डिस्क है तो भी आप उसको डेस्कटॉप में यूज करके चला सकते हो, या इसको चेक करना हो तो अगर आपके पास दूसरा लैपटॉप नहीं हो तो इसको डेस्कटॉप में जोड़ के भी आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी कुछ एक पिक्चर बना के यहाँ पे दिखाया हुआ, जैसे ये जो पिन है वो डाटा के लिए है, और ये जो पिन है वो पावर के, जो बड़े पिन है वो पावर के लिए है, और जो छोटे पिन है वो डाटा के लिए है। और इसको जरूरी कितना 5 वोल्ट दिया जाता है, इसके थ्रू जो वोल्टेज इसको जरूरी है वर्क करने के लिए वो है 5 वोल्ट। तो लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो इसको 5 वोल्ट सप्लाई करती है। उसके बाद तो दोस्तों ये हो गई हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में क्या फॉल्ट हो सकती है इसके बारे में मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, एक मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के जितने भी डाटा आप रखते हो कंप्यूटर के अंदर सभी इसी के अंदर स्टोर होती है। जैसे आपने कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाले होते हो सभी हार्ड डिस्क में रहती है, और कंप्यूटर के अंदर जो भी अपना खुद का फाइल होता है, जैसे आप अगर अपनी कोई डॉक्यूमेंट बना के डाले हो या कोई एक्सेल का शीट हो या कोई भी आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो या ग्राफिकल डॉक्यूमेंट हो, मतलब आपका जो फोटो हो, फोटो वीडियो ऐसा कोई चीज़ हो या ऑडियो हो, तो सभी क्या होती है हार्ड डिस्क के अंदर ही डाली गई होती है। डिफरेंट टाइप के डाटा हार्ड डिस्क में डाला जाता है, एक होती है सिस्टम डाटा और एक होती है यूजर डाटा। तो यूजर डाटा जो वो होती है जो कंप्यूटर को जरूरी नहीं होती, वो सिर्फ आपको जरूरी होती है, जैसे कि आपका जो फोटो हुआ ऑडियो वीडियो वो चीज़ें कंप्यूटर को जरूरी नहीं होती, उस तरह की डाटा को यूजर डाटा बोला जाता है, तो उसको अलग रखा जाता है। और जो सिस्टम की डाटा होती है जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर, उसको अलग रखा जाता है। तो रखने के लिए हार्ड डिस्क को क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टों में पार्टीशन की गई होती है, जिसको सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव इस तरह की ड्राइव बोला जाता है। तो हार्ड डिस्क का बेसिकली जो काम होता है वो
जितने भी डाटा होती है कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सभी हार्ड डिस्क में डाली गई होती है। तो अगर हार्ड डिस्क में कोई फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा। आपका डाटा तो बाद में खुलता है, लेकिन सबसे पहले जो खुलता है होता है सॉफ्टवेयर। और सबसे जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है विंडोज। विंडोज ही ज्यादातर लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज होती है, और विंडोज की जैसा ही और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो ज्यादा उतना पॉपुलर नहीं है। जैसे लिनक्स, यूनिक्स, रेड हैट, यूबुंटू, इस तरह की सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर या लैपटॉप में डाली जाती है, लेकिन उसका नाम ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है और नॉर्मल यूजर के लिए वो फ्रेंडली भी नहीं है। इसीलिए ज्यादातर कंप्यूटर में विंडोज डाला जाता है, और जो एप्पल का कंप्यूटर है उसमें मैकिंटोश या मैक डाला जाता है। तो हम ज्यादातर विंडोज ही यूज करते हैं, तो हम विंडोज को ही अपना जो मेन सॉफ्टवेयर है वो मानते हैं। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड डाले जाते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज डाली जाती है। तो विंडोज अगर नहीं हो तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। आप जब पावर बटन प्रेस करोगे तो डिस्प्ले में कुछ ब्लैक स्क्रीन सा आके उसमें कुछ व्हाइट से लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन जो उसके बाद जो ग्राफिक आते हैं तो ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जितने भी होती है सभी विंडोज दिखाती है। जैसे आपका जो डेस्कटॉप दिखना हुआ, स्टार्ट बटन दिखना हुआ, डेस्कटॉप के ऊपर में छोटी छोटी आइकन्स दिखती है, और विंडोज खुल जाने के बाद ही आप कोई प्रोग्राम को एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि विंडोज ही जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होती है सभी को विंडोज खोलने, बंद करने या उसको कंप्यूटर में डालने, कंप्यूटर में हटाने का काम करती है। तो अगर विंडोज नहीं खुल रहा है तो आप कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते। तो जो विंडोज होती है वो इसी हार्ड डिस्क के अंदर डाली गई होती है। तो विंडोज का जो मेन काम होता है कंप्यूटर को बूट करना होता है। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो अगर हार्ड डिस्क अगर नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कंप्यूटर में बूटेबल डिवाइस नहीं फाउंड, क्योंकि जो बूट करने वाली सॉफ्टवेयर है वो इसी डिवाइस में डाली गई होती है। तो इसमें फॉल्ट आ जाने से क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है वो खुलने के वक्त में क्या बूटेबल डिवाइस नॉट फाउंड करके इस तरह का कोई एरर मैसेज दिखाएगा। अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रही हो तो आप 100% कन्फर्म हो जाओ कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें कोई फॉल्ट है, या तो इसका कनेक्शन एरर है, या इसका जो विंडोज है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो ये हार्ड डिस्क इटसेल्फ ही फॉल्टी हो चुका है। तो अगर इस तरह की फॉल्ट हो तो क्या करना है, पहले इसको क्लीन करके जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद भी अगर ना हो तो कंप्यूटर को फॉर्मेट ट्राई करना है। अगर फॉर्मेट भी नहीं हो रही हो, फॉर्मेट के दौरान आपका जो बूट है जो हार्ड डिस्क है वो नहीं दिखा रही हो, तो आपको नए हार्ड डिस्क डाल के फिर से नए हार्ड डिस्क डालना है, यानी कि हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर इस तरह के हार्ड डिस्क को कोई फॉल्ट हो तो उसको आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देख लिया कंप्यूटर के पीछे इतने सारे पार्ट्स हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। जैसे हार्ड डिस्क का रिपेयर करना भी उतना ही आसान है, और इसके अंदर जो रैम होती है, रैम, वाईफाई कार्ड, इस तरह की पार्ट को भी रिप्लेस करना भी बहुत ही आसान है, और बैटरी को रिप्लेस करना भी बहुत ही आसान है। तो लैपटॉप को ऑलमोस्ट 50% काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उतना ज़्यादा इसमें कोई इश्यू नहीं है, उतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो लैपटॉप की जो पार्ट्स है उसका प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, और किस पार्ट में फॉल्ट आने से किस तरह का प्रॉब्लम दिखती है लैपटॉप में उसका जो इन्फॉर्मेशन एकदम प्रॉपर होना एकदम जरूरी है। तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं इसमें भी दे रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन अलग से भी मैं एक वीडियो बना कि आपको लैपटॉप की जो टोटल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा पार्ट में फॉल्ट आ जाने से क्या एरर आती है, इसका इन्फॉर्मेशन मैं फिर से एक अलग वीडियो में भी देने वाला हूँ। तो पहले आप क्या कीजिए, लैपटॉप का जो पार्ट्स है उसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए, क्योंकि इसको पहचाने रहेंगे तभी आप फॉल्ट डायग्नोस करने में आपको आसानी होगी। इसीलिए मैं सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ लैपटॉप रिपेयरिंग के सेक्शन में। ये बेसिक वीडियो है, लेकिन इसका नॉलेज अगर आपको प्रॉपर नहीं है तो आप लैपटॉप रिपेयरिंग करना आपको बहुत ही मुश्किल। पीछे का जो पार्ट्स था निकलने वाला सभी को मैंने निकाल लिया है। उसके बाद अब जैसे मुझे ये कीपैड निकालना है, तो कीपैड को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कीपैड का जो कीपैड को पीछे से स्क्रू डाल के इसको अटैच किया गया होता है, तो आप कीपैड को इस तरह से नहीं निकाल सकते जब तक पीछे का जो स्क्रू, जितने भी स्क्रू है उसको भी खोले बिना आप कीपैड को नहीं निकाल सकते। तो इसको कीपैड को निकालने के लिए क्या करना है, ये जो पीछे का स्क्रू है उसको खोलना है। तो कीपैड के लिए कोई पार्टिकुलर स्क्रू भी होता है, लेकिन वो अगर आपको फाइंड करने में मुश्किल हो रही हो तो आप क्या कर सकते हो, पूरे सभी पीछे के जितने भी स्क्रू है सभी को खोल सकते हो। नहीं तो कीपैड के लिए इस तरह का कोई सिंबल भी दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिंबल दिख रहा है वो कीपैड का सिंबल है। तो अगर आपको कीपैड निकालना है तो पहले क्या करना होगा, इस स्क्रू को आपको बाहर कर लेना होगा। अगर आपको इस तरह की यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, ये जो सिंबल दिख रहा है कीपैड का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक कीपैड का सिंबल बना है। तो ये एक दो स्क्रू हो गई, और भी देखते हैं कहीं और दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दो स्क्रू कीपैड को निकालने के लिए आपको ये दो स्क्रू कंपल्सरी आपको निकालना होगा। तो अगर आपको कीपैड रिप्लेस करने का कोई काम आ रहा है, अगर किसी लैपटॉप में कीपैड का फॉल्ट है, अगर आपको कीपैड चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, ये पीछे की तरफ
का जो कवर्स है उसको खोल के इस तरह की सिंबल आपको फाइंड करना है। इस तरह का सिंबल जहाँ पे उसकी जो स्क्रू है उसको आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आप कीपैड को निकाल सकते हो। इस स्क्रू को खोले बिना आप कीपैड को नहीं निकाल सकते हो। तो पहले मैं इस कीपैड निकालने के लिए क्या इसको इस जो स्क्रू है इसको मैं खोल लेता हूँ। लेकिन अगर आपको पूरी लैपटॉप खोलना हो तो आप सभी स्क्रू को खोल सकते हो। सभी अगर कहीं आपको इस तरह का सिंबल नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हो, जितने भी पीछे स्क्रू आपको दिखे सभी को खोल लो और बहुत खोलने के बाद आपको आसानी से कीपैड निकल जाएगी। तो पहले मैं इसकी स्क्रू को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको कीपैड किस तरह से निकलना है इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों कीपैड कब रिप्लेस करना है, तो कीपैड रिप्लेस करने का जो मेन रीजन है, अगर कीपैड का कोई की प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो तो आपको कीपैड रिप्लेस नहीं करना होता है, मतलब उसको निकाल के उसको क्लीन करना होता है। पहले क्लीन करके देखना होता है। क्लीन करने से अगर काम हो रही है तो ठीक है, लेकिन क्लीन करने पर भी अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रही है लैपटॉप का या कीपैड, कोई जो कीपैड डैमेज हो गई है, कीपैड का कुछ की डैमेज हो गई है, तो उस तरह मैंने कीपैड का जो स्क्रू है उसको निकाल लिया है। तो दोस्तों कीपैड कब निकाला जाता है, जैसे कीपैड से जुड़ी कोई भी आपका जो प्रॉब्लम हो अगर वो आ गई हो तो आप कीपैड की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कीपैड का कोई रो न चलना या कोई कॉलम न चलना या कोई की डैमेज हो जाना, तो इस तरह की अगर कोई फॉल्ट हो तो आप कीपैड को रिप्लेस करना जरूरी होता है। तो मैंने कीपैड से जुड़ी जो स्क्रू थी उसको निकाल लिया है। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, जो आप देख सकते हो कीपैड निकालने की दो तरीके होते हैं। कोई कीपैड में क्या होता है, यहाँ पे लॉक दिया गया होता है, यहाँ ये ऊपर में या इस तरह की साइड सब में, इस साइड में और ये जो अपर पार्ट है ये सभी में डिफरेंट लॉक्स दिया गया होता है। लेकिन और जो जिसमें लॉक है उसको आप लॉक को इस तरह से अंदर करके कीपैड को टान सकते हो, लॉक इस तरह से भीतर करके उस कीपैड को निकाल सकते हो। और इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसका उस तरह की कीपैड का कीपैड वाले लैपटॉप का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। लेकिन इस कीपैड को निकालने के लिए क्या करना है, आप देख सकते हो जैसे कीपैड की जो कवर है आप देख सकते हो, इसको पाम रेस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो कवर है वो इसका दो पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक कप सा दिया गया है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये अलग है और जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की अगर कोई कीपैड कोई अगर लैपटॉप आपको दिख रही हो तो क्या करना है, जो पहले जो ऊपर वाला पार्ट है उसको निकाल लेना है। उसको निकालने के बाद जो कीपैड की अंदर इसका जो लॉक होता है इसके अंदर दिया गया होता है और उसमें स्क्रू डाली गई होती है। यहाँ पे बहुत से मतलब दो से लेके चार स्क्रू यहाँ पे डाली गई होती है जो कीपैड को होल्ड किए रखती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऊपर का जो कवर है यहाँ पे कट के ऊपर जो ये कवर आप देख रहे हैं जिसमें पावर बटन और इस तरह का बटन्स दिया गया, वाईफाई का जो बटन है वो दिया गया और स्पीकर यहाँ पे दिया गया, तो इस पार्ट को पहले निकालना है। तो इस पार्ट को भी आप उतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, इस ऐसे ही नहीं आएगा क्योंकि इस पार्ट को भी क्या होती है पीछे की तरफ से स्क्रू होल्ड किए होती है। तो इसको निकालने से पहले भी आपको क्या करना है, पीछे का जो स्क्रू है उसको खोल लेना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कीपैड खोलना हो तो पहले पीछे जितने भी स्क्रू आपको दिखे सभी को खोल लेना है। तो चलिए मैं उसको निकालने के लिए भी क्या करना है, ये जो स्क्रू है इसको खोलना जरूरी हो गया है। तो पहले मैं स्क्रू को खोल लेता हूँ, जो बैटरी के अंदर स्क्रू है सभी को खोल लेता हूँ और स्क्रू खोलने के बाद ही कीपैड निकलेगा। या तो सबसे आसान क्या होगा, पीछे की सभी स्क्रू को खोल के भी कीपैड अगर निकाला जाए तो वो सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन पहले मैं इसको खोल के जितने भी इसके छोटे स्क्रू है इस साइड में उसको खोल के और फिर कीपैड निकालने का ट्राई करता हूँ। ये स्क्रू को प्रॉपरली प्लेस करना बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको लैपटॉप फिट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है लैपटॉप रिपेयरिंग के दौरान, इसीलिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बातें अब रिपीटेडली मैं बहुत बार बार बताने का भी मेरा मकसद वही है क्योंकि कल आप अगर काम करो तो आपको कोई फॉल्ट कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं ये बातें बहुत रिपीटेडली मतलब बार बार एक ही बातें मैं आपको बताया जा रहा हूँ। तो चलिए मैं सभी स्क्रू को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं कीपैड निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रू खोलना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक मैं स्क्रू नहीं खोलूंगा तो आगे का जो बेजल था जो कीपैड के ऊपर जो
एक कवर सा, छोटा सा कवर सा लगा हुआ था, वो नहीं निकलेगा, इसीलिए स्क्रू को खोलना बहुत जरूरी है। तो जितने भी स्क्रू दिख रहा है सभी को मैं खोल लेता हूँ, सभी स्क्रू को खोल लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि सभी स्क्रू खोलने से मुझे तो पूरी लैपटॉप खोल के आपको दिखाना है, इसीलिए मुझे अगर अभी नहीं खोला तो बाद में भी मुझे लैपटॉप खोलना जरूरी है, इसका सभी स्क्रू को खोलना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं सभी स्क्रू को खोल लेता हूँ। आपका जो स्क्रू ड्राइवर हो अगर मैग्नेटिक हो तो बहुत अच्छा, इसका जो मैग्नेट है वो कम हो चुका है, इसमें होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं सभी स्क्रू को निकालने के लिए मैं सभी स्क्रू को खोल देता हूँ, जिससे मुझे पूरी लैपटॉप को खोलने में आसानी हो। दोस्तों लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम का जरूरी होता है, आप जल्दबाजी में लैपटॉप का रिपेयर नहीं कर सकते हो, मिनिमम 1 से लेकर 2 घंटे आपको लग जाते हैं लैपटॉप को खोलने और बंद करने में, और उसके बाद अगर आपका जो रिपेयरिंग का जो टाइम है वो अलग से, तो आप कम से कम आपके पास अगर 2 आवर्स का टाइम हो तभी आप लैपटॉप का रिपेयरिंग शुरू करें, क्योंकि जल्द मतलब रिपेयरिंग जब शुरू करें तो उसको कम्प्लीट करें, इसको बीच में छोड़ने से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो पार्ट्स का रिप्लेसमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो लैपटॉप का जब भी रिपेयरिंग करें आप फुर्सत में करें, जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो तभी आप लैपटॉप का रिपेयरिंग शुरू करें, जल्दी में लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करने का कोशिश कभी ना करें। दोस्तों बहुत सारा स्क्रू होता है लैपटॉप के अंदर, ये और स्क्रू का जो मिसप्लेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ से स्क्रू निकाले उसी से रिलेटेड पार्ट में रख दे, या तो आप नाम लिख के रख भी रख सकते हो किस सेक्शन से आप निकाले हो, वहाँ पे पेपर पे नाम लिख, एक अलग सा पेपर पे नाम आप नाम लिख ले, स्क्रू रख दे और कहाँ से निकाले हो उसका नाम आप लिख दे तो आपको आसानी रहेगा। तो मैं देखता हूँ अब स्क्रू सभी निकला है या नहीं, बहुत सारे स्क्रू है इसके अंदर, सभी स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। तो सभी स्क्रू निकल चुका है, इसका जो पीछे का जितना भी स्क्रू था सभी को मैंने खोल लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे स्क्रू एक ही जगह पे मैंने रख दिया है, क्योंकि इसको फुल डिसेम्बल करने के लिए सभी स्क्रू निकालना जरूरी था, और निकालने के बाद मुझे आगे काम करने में आसानी होगी। और स्क्रू निकालने के बाद और एक चीज आप क्या कर सकते हो, जो डीवीडी है उसको भी आप निकाल सकते हो, जो डीवीडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, और डीवीडी का इसी जगह पे यहाँ स्क्रू का पॉइंट होता है, तो ये स्क्रू खोलने के बाद आप डीवीडी भी चेंज कर सकते हो। तो पीछे से आप 50% लगभग लैपटॉप का काम आप बस पीछे का जो स्क्रू है कुछ स्क्रू खोल के आप कर सकते हो, जैसे डीवीडी चेंज करना, हार्ड डिस्क चेंज करना, रैम चेंज करना, वाईफाई कार्ड चेंज करना, और जो सीपीयू को क्लीन करना, बैटरी रिप्लेस करना, इतना सारा काम आप पीछे की कुछ स्क्रू खोलने के बाद ही कर सकते हो। तो अब डीवीडी अगर रीड नहीं हो रहे तो आप डीवीडी चेंज कर सकते हो, डीवीडी में उतना कोई ज्यादा उतना इश्यू नहीं आता है। और डीवीडी के निकालने के बाद आप देख सकते हो डीवीडी के अंदर भी यह कुछ स्क्रू दिया हुआ है, तो सबसे जो पीछे की तरफ जितने भी आपको पार्ट्स दिखे सबसे पहले लैपटॉप की लैपटॉप में से बाहर कर लेना है, क्योंकि जब तक ये पार्ट्स आप बाहर नहीं करोगे तब तक आगे की जो ओपन करना के जो लैपटॉप का जो कवर है उसको आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए जो पीछे की जितनी पार्ट्स है सभी को निकाल ले, और जितने भी स्क्रू आपको दिखे सभी को निकाल ले, तभी आप लैपटॉप की पूरी मतलब डिसेम्बल कर सकते हो। तो मैंने जितना भी स्क्रू था सभी को निकाल लिया है, अब इसको मैं आगे की तरफ टर्न करता हूँ और फिर किस तरह से कीपैड को निकालना है वो निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो